इस बार रानो चिड़िया ने रक्षाबंधन के त्योहार पर घेवर की दुकान लगाई थी। जंगल के सभी पक्षी चिड़िया से घेवर खरीद रहे थे। रानो के ठीक सामने एक कालू कौवे की दुकान थी जो कि फल बेचा करता, परंतु कुछ दिनों से उसके फलों की बिक्री नहीं हो रही थी। कालू, जितने फल लेके गए थे सब वापस लेके आ गए हो, थोड़े भी फल नहीं बेचे। क्या करूं गौरी, जब से चिड़िया ने घेवर की दुकान खोली है तब से कोई भी फल नहीं खरीदता, सब घेवर ही खाते हैं। कालू, इस तरह से तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप भी घेवर बेचना शुरू कर दें। गौरी कव्वे की यह बात सुनते ही कालू कौवा तुरंत ही चमचम काका की दुकान पर चला जाता है और वहाँ से घेवर बनाने का सारा सामान खरीद लाता है। गौरी, ये रहा सारा सामान, अब जल्दी से घेवर बनाना शुरू करो। मुझे ठीक से खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है। तुम चिंता ना करो गौरी, आज रात हम चिड़िया को देखेंगे और तुम घेवर बनाना सीख लेना, फिर मैं भी चिड़िया के जैसे घेवर बेचा करूँगा। कालू गौरी रात होते ही चिड़िया के घर के बाहर छिप जाते हैं और चुपके से चिड़िया को घेवर बनाते हुए देखते हैं। देख ले गौरी, ध्यान से देख ले, ऐसे ही बनाना है तुम्हें भी घेवर, कोई गड़बड़ ना होने पाए। हाँ हाँ, बना दूंगी, आखिर मुश्किल ही क्या है। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर आते हैं। गौरी सामान लेकर घेवर बनाने बैठ जाती है, परंतु उसे तो कुछ भी याद नहीं था। सबसे पहले छोटी चिड़िया ने क्या डाला था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। छोड़ो, सब डाल देती हूँ, आखिर है तो घेवर बनाने का ही सामान। ऐसे सोचते हुए गौरी एक एक करके सारा रखा हुआ सामान घेवर में डाल देती है और घेवर बना देती है। हाय राम, कितना सुंदर घेवर बनाया है मैंने, अब सो जाती हूँ। फिर अगले दिन कालू सारा घेवर लेकर बाजार चला जाता है और अपने घेवर की आवाज लगाता है। घेवर ले लो, ताजी ताजी घेवर ले लो, जल्दी जल्दी खरीद लो कालू का घेवर। अरे जरा मुझे भी 1 किलो घेवर देना। ये लो 1 किलो घेवर, और आगे भी हमारी दुकान से ही घेवर खरीदें, बेस्ट क्वालिटी का घेवर बना कर लाता हूँ। मिट्ठू तोता घेवर लेकर घर जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही घेवर खाती है तुरंत ही फेंक देती है। छी छी, ये भी कोई घेवर है, कहाँ से लाए हो इतना बेकार घेवर। हरियाली, आज कालू की दुकान से खरीदा है घेवर, मुझे नहीं पता था ये इतना बुरा होगा, मैं अभी जाता हूँ इसे वापस करने। फिर मिट्ठू तोता तुरंत ही कालू की दुकान पर जाता है। कालू, ये ले अपना बेस्वाद घेवर और मेरे पैसे वापस कर। पर क्यों, अभी तो आप खरीद कर गए थे। हाँ, मुझे नहीं पता था तुम इतना बेकार घेवर बेचते हो, मेरे पैसे वापस दो, मैं चिड़िया से घेवर खरीद लूँगा। मिट्ठू तोता कालू से अपने पैसे ले लेता है। अब जो भी कालू से घेवर खरीद कर ले जाता थोड़ी देर बाद उसे वापस करने आता। पता नहीं मेरे घेवर में क्या खराबी है, जो भी खरीदता है वो वापस करने आता है, और ये चिड़िया जब से आई है एक बार भी किसी ने घेवर वापिस नहीं किया, मैं अपना घेवर चेक कर देखता हूँ। फिर कालू कौवा अपना घेवर खा लेता है, उसे भी घेवर बहुत बुरा लगता है, वो तुरंत ही घर जाता है। कालू, इतनी जल्दी आ गए, क्या मेरा घेवर इतना पसंद आया पक्षियों को। बकवास बंद करो गौरी, तुम्हारा घेवर इतना बुरा था कि मुझे सब फेंक कर आना पड़ा, बताओ इतना बुरा घेवर क्यों बनाया। कालू जी, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे घेवर बनाना नहीं आता, अब इसमें मेरी क्या गलती। गौरी, कुछ तो करो, चिड़िया जब से आई है खूब घेवर बेच रही है और हमारा धंधा पहले ही दिन ठप है। कालू जी, क्यों ना हम आज रात चिड़िया के घेवर से अपना घेवर बदल देते हैं, फिर देखना चिड़िया का घेवर बिचना बंद और तुम्हारा चालू। हाँ गौरी, आइडिया बहुत अच्छा है, आज रात ऐसा ही करेंगे। अब कालू गौरी खूब घेवर बनाते हैं और रात होते ही चिड़िया का सारा घेवर बदल लाते हैं। सुबह हो जाती है, दोनों ने अपनी अपनी दुकानें लगा ली थी। कालू, तुम फिर से बुरा घेवर बेचने आ गए। अरे चक्कर तो देखो, ये आज का घेवर बहुत स्वादिष्ट है। नहीं नहीं,
मुझे फिर से अपना मुंह खराब नहीं करना, मैं तो चिड़िया से ही घेवर खरीदूंगा। ऐसे कहकर मिठू तोता चिड़िया की दुकान पर चला जाता है और 1 किलो घेवर मांगता है। चिड़िया बहन, 1 किलो घेवर पैक कर दो। मिठू तोते, आप सबसे पहले मेरी बहनी कराते हो, आज मेरी तरफ से 1 किलो घेवर फ्री में ले जाओ। वाह चिड़िया, आज तो हरियाली 2-2 किलो घेवर देखकर खुश हो जाएगी। मिठू तोता खुशी से उड़ता हुआ अपने घर जाता है और हरियाली को 2 किलो घेवर दे देता है। हरियाली जैसे ही घेवर चखती है तुरंत ही फेंक देती है। आप फिर से बुरा घेवर लेके आ गए। नहीं हरियाली, मैं तो चिड़िया से ही घेवर लाया हूँ और 1 किलो घेवर उसने फ्री दिया। घेवर इतना खराब था तभी फ्री दिया है, अभी के अभी वापस करके आओ और कोई बढ़िया सा घेवर लाओ। फिर मिठू तोता चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसे घेवर वापस देता है। चिड़िया, तुम भी बुरा घेवर बनाने लगी, मेरे पैसे वापस करो। फू, सच ही कहा मिठू तोते, ये घेवर तो बहुत बुरा है, कौन खाएगा इसे, मेरे भी पैसे वापस करो चिड़िया। चिड़िया दोनों को पैसे वापस दे देती है और थोड़ा सा घेवर खा कर देखती है। मैंने तो इतना बुरा घेवर नहीं बनाया था, शायद कोई गलती हो गई होगी, कल पूरे ध्यान से घेवर बनाऊंगी। इधर कालू कव्वे का घेवर बहुत तेजी से बिच रहा था और कुछ ही देर में सारा घेवर खत्म हो जाता है। गोरी ये देखें, सारा घेवर बिच गया हमारा। हाँ कालू जी, आज रात भी ऐसा ही करेंगे। अब कालू गौरी रात होते ही चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया जैसे ही सोती है उसका सारा घेवर चुरा लाते हैं। आओ आओ, मीठा मीठा घेवर खरीदो, एकदम बढ़िया। कालू, तुम्हारे पंख का बना घेवर मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया, आज 2 किलो दे दो। कव्वे, 1 किलो घेवर मुझे भी दे दो। अरे रानू बहन, जरा 1 किलो घेवर मुझे देना। हाँ मुनमुन, ये लो घेवर, आज तो सुबह से थोड़ा भी घेवर नहीं बिचा, तुम पहले ग्राहक हो। फिर मुनमुन चिड़िया घेवर लेकर चली जाती है। वो जैसे ही घेवर खाती है तुरंत ही फेंक देती है। अब तो चिड़िया के साथ हर दिन ही ऐसा होने लगा था। जब से इस कव्वे ने दुकान लगाई है पता नहीं मेरा घेवर कैसे खराब हो जाता है। आज रात मुझे अपने घेवर पर नजर रखनी होगी, वरना मैं तो इतना बुरा घेवर कभी नहीं बनाती। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने घर में सोने का नाटक करती है और कालू गोरी को चोरी करते पकड़ लेती है। तो तुम हो बदमाश कव्वे, जो हर दिन मेरा घेवर बदलते हो, मैं जंगल में सबको बता दूंगी, फिर तुमसे कोई भी पक्षी घेवर नहीं खरीदेगा। चिड़िया हमें माफ कर दो, दरअसल गोरी को घेवर बनाना नहीं आता, इसीलिए हमने ऐसा किया, वरना इरादे बुरे नहीं थे हमारे। कालू गोरी, तुम मेरे घर आकर घेवर बनाना सीखते तो मैं तुम्हें सिखा देती, कभी मना नहीं करती, परंतु आपकी इस हरकत की वजह से मेरी दुकान का नाम तो खराब हो गया, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चिड़िया माफ कर दो हमें, कल रक्षाबंधन है और सबसे ज्यादा घेवर बिचने वाला दिन, प्लीज अब मुझे घेवर बनाना सिखा दो, वरना हमारा बुरा घेवर कोई नहीं खरीदेगा और मेरा कालू सारा दिन मक्खियाँ ही मारेगा। गोरी कालू को रोते देख चिड़िया को दिया आती है और वो उसे घेवर बनाना सिखा देती है। अगले दिन रक्षाबंधन था और दोनों का ही घेवर खूब बिचता है और वो सब बड़े प्यार से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। आपका धन्यवाद। टूनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टूनी के माता पिता एक बड़ी कंपनी में छोटे पद पर नौकरी किया करते। एक दिन मन्नू चिड़े को रास्ते में कुछ बदमाश रोक लेते हैं। मन्नू चिड़े, हमारी बात मान लो, वरना आपके साथ ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मैं उस कंपनी में 18 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं जाने कितने मजदूरों का गुजारा उसी कंपनी से होता है और तुम उसी को बंद करवाना चाहते हो। मानो चुड़े, तुम क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हें जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मना कर दिया फिर भी आपके समझ नहीं आता, मैं आपके बुरे कामों में साथ नहीं दूंगा और नहीं ये सब होने दूंगा, इसीलिए ये बुरा सपना देखना छोड़ दो तो अच्छा ही हो।
होगा। वो बदमाश कंपनी की महंगी मशीनों को लूटना चाहते थे, परंतु मानो छिड़े के होते हुए वो इस काम को नहीं कर सकते थे, इसलिए वो मानो छिड़े को अपने जाल में फंसाने की खूब कोशिश करते हैं, परंतु मानो छिड़ा साफ इनकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। मालिक, ये चिड़ा तो बहुत ईमानदार है, हमारा साथ कभी नहीं देगा। बल्लू, कंपनी को तो हम लूट कर ही रहेंगे और उसे जलाएंगे भी, पर उससे पहले हमें मानो चिड़े को रास्ते से हटाना होगा, फिर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। फिर वो सभी बदमाश पक्षी मानो चिड़े को मारने की योजना बनाते हैं। इधर मानो चिड़ा घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। मानो जी, हम कल जाकर कंपनी के मालिक को सारी बातें बता देंगे, फिर वो बदमाश पकड़े जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सबसे पहले मालिक जी से ही बात करेंगे और उन बदमाशों को पकड़वाएंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और इधर कालू कौवा और उसके दोस्त उन्हें मारने आ जाते हैं। इससे पहले कि ये किसी को हमारे बारे में बताए, इसके पूरे घर को जला दो। पर मालिक, ऐसे तो इसका सारा परिवार ही खत्म हो जाएगा, हम अकेले मानो चिड़े को भी तो मार सकते हैं। अपना मुंह बंद रख और इधर दे ये मसाल, मैं खुद ही घर को आग लगाता हूँ। फिर कालू कौवा सारे घर को आग लगा देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। टूनी चिड़िया तो जैसे तैसे बच जाती है, परंतु उसके माता पिता की जलकर वहीं पर मौत हो गई थी। मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। इस तरह से रोते रोते उस छोटी बच्ची की रात वहीं पर निकल जाती है। सुबह को एक पड़ोसन आंटी टूनी को अपने घर ले जाती है, वो उसे भोजन खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं। सुनिए जी, हम इस टूनी को कब तक अपने घर में रखेंगे, पहले से ही खर्चा क्या कम है जो ऊपर से एक और बढ़ गया। देखो कोमल जी, जब तक इसका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला नहीं आता, तब तक हमें इस छोटी बच्ची को अपने घर में ही रखना होगा। मुझे नहीं लगता कोई आकर उसे अपने साथ ले जाएगा, ऐसी बला से तो सब दूर ही रहते हैं, फिर हम क्यों सहें, हमें भी इससे छुटकारा पाना ही होगा। ऐसे बातें कर वे दोनों पति पत्नी घर आते हैं और टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं। छोटी चिड़िया, तुम कहीं भी जाओ, पर हमारे घर लौट कर कभी मत आना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। टूनी चिड़िया तो बहुत रो रही थी कि अब वो कहाँ जाए, ना तो वो किसी को जानती थी और ना ही उसके पास अपना घर था। मम्मा पापा, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी, हमारा घर भी पूरा जल गया है। उस रात टूनी चिड़िया को समझ में आ गया था कि वो अब अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके साथ वो रह सके, और वे यूं ही उल्टी दिशाओं में उड़ी जा रही थी। रात भी हो चुकी थी और टूनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लग रही थी। अगर थोड़ा भोजन मिल जाता तो मेरी भूख शांत हो जाती और मैं यहीं पेड़ के नीचे सो जाती। वो ऐसे सोच ही रही थी कि तभी उसे एक बड़े कचरे के ढेर में कुछ भोजन दिखाई देता है और वो कचरे से भोजन निकाल कर खाने लगती है। वो भोजन खा ही रही थी कि तभी जोर से बारिश भी होने लगती है। अरे बाप रे, भोजन तो बारिश में भीग रहा है, मुझे जल्दी ही बारिश से बचना होगा। बारिश तेज होने लगती है, ऐसे में टूनी चिड़िया कहाँ जाती। वो रात भर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठी रहती है, परंतु बारिश तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बस ये बारिश बंद हो जाए, फिर कंपनी से महंगी मशीनें चुरा लेंगे और उन्हें बेचकर अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ मालिक जी, मैंने देखा है, बहुत महंगी महंगी मशीन है इस कंपनी में। फिर वो सब भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। इधर टूनी चिड़िया बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ जाती है, उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। मुझे तो बहुत
बहुत तेज बुखार है। अगर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं गई तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे सोचकर वो चिड़िया बारिश से बचने के लिए कोई जगह खोजने लगती है और वो उड़ते उड़ते उसी कंपनी के पास आती है और एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। बारिश रुकते ही कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है। चलो चलो जल्दी से करो, जब तक चपरासी होश में आए तब तक ताला तोड़ दो और अंदर जाकर मशीनें बाहर लाओ, मैं तब तक यहीं गाड़ी के पास रुकता हूँ। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे कि उनकी बात वो छोटी चिड़िया बैठी सुन रही थी। अरे बाप रे, ये चोर तो मशीन चुराने आए हैं, मुझे जल्दी ही किसी को बताना पड़ेगा वरना ये चोर सब लेकर भाग जाएंगे। ऐसे सोचकर टूनी चिड़िया चपरासी पक्षी के पास जाती है और उसे जगाने की लाख कोशिशें करती है, परंतु चपरासी तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था। चपरासी काका, आंखें खोलिए और देखें, चोर चोरी कर रहे हैं, सारी मशीनें ले जा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? ये काका तो जागने का नाम नहीं ले रहे। फिर टूनी चिड़िया तेजी से उड़ती है और कुछ पक्षियों को ये बात बता देती है। बेटी, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और कंपनी के मालिक को भी, फिर वो चोर को आकर पकड़ लेंगे। मिट्ठू चाचा, जल्दी करिए वरना वो चोर चोरी करके भाग जाएंगे। फिर मिट्ठू तोता पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वाले बड़ी होशियारी से वहां आकर चोरों को पकड़ लेते हैं। अरे बाप रे, ये पुलिस कहां से आ गई? किसने बुलाया आपको? बदमाश चोरों, तुम्हें क्या लगा था कि कंपनी को लूटकर भाग जाओगे? अब रहना आराम से जेल के अंदर। बेटी, आज आपकी बहादुरी के कारण ये चोर पकड़े गए और मेरी कंपनी बंद होने से बच गई। क्या कहा, इस छोटी सी बच्ची के कारण हम पकड़े गए हैं? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। मालिक, ये तो उसी चिड़े की बेटी है जिसके घर में आपने आग लगाई थी, ना जाने कैसे बच गई और हमें पकड़वा दिया। बहुत अच्छे, एक और गुनाह बता दिया हमें, अब तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे तुम सब, अब चलो। फिर पुलिस पक्षी डंडे मार मार कर उन सबको अपने साथ ले जाती है और इधर कंपनी के मालिक को चिड़िया पर बहुत दया आती है। बेटी, मानो चिड़े को मैं अच्छे से जानता था, पर मुझे खबर मिली थी कि उस हादसे में आप सबकी जान चली गई, वरना मैं आपको ऐसे भिखारियों की तरह नहीं रहने देता। अंकल जी, मुझे अपने माता पिता के घर में रहना है, वही मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं उस घर को पूरी तरह से नया बनवा दूंगा और फिर तुम उसी घर में रह पाओगी, परंतु जब तक तो मेरे साथ चलो, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। फिर मालिक चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और उसी जले हुए घर को ठीक करवा देता है। टूनी चिड़िया वहीं अपने घर में हंसी खुशी रहने लगती है।